तनिष्क की और वेलकम टू द चैनल लीव लाइफ यू टेन एंजॉय विद तनिष्क फ्रेंड्स. आप सभी का स्वागत है. तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बेहद ही सुंदर प्लांट के बारे में जो कि है पॉइनसेटिया, जो कि एक विंटर प्लांट होता है. बट हम उसकी कटिंग अभी इसे इजीली कटिंग से प्रोपगेट कर सकते हैं और एक काफ़ी कॉस्टली मिलता है नर्सरीज में. तो आप इसे घर पर काफ़ी इजीली लगा सकते हैं जैसे कि आपको मैं बताऊँगा आज. इसे लगाना वैसे तो थोड़ा मतलब ट्रिक वाला काम है बट आप इसे इजीली घर पर लगा सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा अपने न्यू प्लांट्स तैयार भी हो जाते हैं इसे काफ़ी इजीली. तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें लगाना है. तो देखिए सबसे पहले हम लोग कटिंग प्रिपेयर कर लेंगे. तो देखिए सबसे पहले हमने कटिंग प्रिपेयर कर ली है. इसकी कटिंग हल्की सी बूढ़ी होती है और इसमें लेटेक्स होता है, यानी कि जैसे आप लोग देख रहे हैं दूध सा मिल्की वाइट कलर का सब्सटेंस दिखता है आपको इसमें. तो ये जो भी हमारे प्लांट्स में होता है लाइक चंपा प्लूमेरियाज में होता है, यानी कि चंपाज में होता है और कुछ और वैरायटीज की प्लांट्स में होता है. तो आप इससे इसको एक तरीका होता है कि आप इसे एक दिन सुखा लें. तो जैसे कि ये मैं कटिंग कल लेकर आया था, यानी कल इवनिंग में लेकर आया था, तो आज 24 आवर्स के ऊपर हो चुके हैं. तो अभी मैं इसे लगा रहा हूँ. तो देखिए आप लोग अब इसमें हल्का तो भी इसमें भी सब्सटेंस है ही, बट इसे वन डे सुखाना सफिशियंट रहेगा. अदरवाइज ये कटिंग आपकी हो सकता है कि ड्राई आउट हो जाए, तो इसलिए अब इसे आज हम लगा लेंगे. तो चलिए तो देखिए हम लोग अब देख लेते हैं कि किस तरीके की मिट्टी चाहिए कि हमारे पॉइनसेटिया को ग्रो करने के लिए. तो देखिए मैंने इसमें लिया है 30% सैंड, 30% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 40% कंपोस्ट लिया है मैंने इसमें. या फिर आप इससे 30% ले सकते हैं. और हम इसमें 10%, यानी कि हम 2 चम्मच इसमें डालेंगे हल्का सा पोटैश, यानी कि जो आप लोग बाजार में पोटैश डालना इसलिए हेल्पफुल रहता है क्योंकि पोटैश हमारे प्लांट में रूट्स को जल्दी डेवलप कर देता है और इससे रूट बॉल अच्छा डेवलप होगा हमारी कटिंग का और फास्ट डेवलप होगा. तो उससे क्या होगा कि हमारी कटिंग जल्दी हमें अच्छा रिजल्ट देती है और कटिंग भी हमारे अच्छे से डेवलप हो जाती है. तो देखिए मेरे ये पॉट में ऑलरेडी मिट्टी है इसलिए मैं इसकी मिट्टी इससे चेंज नहीं कर रहा हूँ. बट अगर आप न्यू सॉइल लगाते हो तो आप इसे उसे मिक्स कर लें. अब इसमें डाल रहा हूँ मैं हल्का सा नीम खली पाउडर जो कि हमारी नीम खली होती है. तो देखिए मैंने इसमें 1 चम्मच से करीब नीम खली डाल दी है. तो ये इस तरीके का आप लोग इसमें डाल लेते हो. नीम खली से क्या होगा कि हमें कोई भी फंगिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है हमारे मिट्टी में. अब हमारी मिट्टी अच्छे से स्टरलाइज हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से. हम इसे मिक्स कर लेंगे. देखिए बस कुछ नहीं है तो मैं इसमें कैट सीजर्स से ही इसमें इसे मिक्स कर लूँगा अच्छे से डाल करके. ये मेरी मिट्टी हल्की सी गिरी है क्योंकि इसमें बारिश का पानी चला गया है, बट ये मिट्टी काफ़ी मेरी अच्छे से ड्रेन मिट्टी है जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे. तो जस्ट हम इसमें अब हम लोगों ने देखिए खाद मिला दी है. खाद यानी कि एक तरीके का ये फर्टिलाइजर होता है, पोटैश की खाद बोलते हैं इसे. DAP है वैसे, ऑर्गेनिक DAP के नाम से भी मिलता है आपको बाजार में. तो देखिए इस तरीके से हमने इसे मिक्स कर दिया फर्टिलाइजर को. तो देखिए चलिए और मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया है आज. आप चाहे तो गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं. तो देखिए अब हम लोग सिंपली हमारी कटिंग्स को इसमें पुट कर देंगे. तो देखिए मैंने ऊपर से इसकी न्यू ग्रोथ है इसलिए कटिंग को ऊपर से काटा नहीं है. अगर आप इस तरह की कटिंग लेते हैं जैसे कि मैंने देखिए इसको काटा है ऊपर से, क्योंकि इसमें जितनी न्यू ग्रोथ थी मैंने छोड़ी है. पॉइनसेटिया कटिंग में अगर न्यू ग्रोथ छोड़ते हैं फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, तो ये आपको जल्दी से इसका ग्रोथ दिखाती है कटिंग और आपका कटिंग बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है. तो देखिए तो इस तरीके से अगर आप इसमें आप कटिंग्स को लगाते हैं तो पॉइनसेटिया कटिंग हमेशा न्यू ग्रोथ वाली ले तो ज़्यादा अच्छा, यानी कि जिसको ऊपर से न्यू ग्रोथ आ रही हो ये आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी पॉइनसेटिया में. ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग. और जैसे आपने बताया कि आप कटिंग को अगर एक दिन थोड़ा उसको सुखा लें, यानी कि आप इसे एक दिन शेड में ड्राई होने रख दीजिए. जैसे कि इसको मैंने 24 आवर्स तक छोड़ दिया था ड्राई होने के लिए. तो देखिए हमारे 3 कटिंग बिल्कुल तैयार हैं. इसमें मैंने जो न्यू ग्रोथ थी उसको छोड़ दिया है. तो देखिए अब हम सिंपली इसमें होल करते हैं. हालांकि ये मेरा मिक्सचर काफ़ी सॉफ्ट मीडियम लिया है मैंने और ट्रेन मीडियम लिया था, इसमें होल मैं ना ही करूँ कोई चीज़ से तो भी चलेगा. जस्ट देखिए मैंने हाथ से होल किया एंड क्योंकि इसकी कटिंग अच्छी खासी बुढ़ी है. तो देखिए जैसे हम इसको लगा देंगे. देखिए जैसे हम इसको लगा दे रहे हैं लास्टली हम थर्ड कटिंग लगा रहे हैं फ्रेंड्स जो कि हमारी. ठीक है तो देखिए हमने इस तरीके से कटिंग लगा दी है. तो देख पा रहे हैं तो अच्छे से मैंने प्रेस भी कर दिया है कटिंग के सब साइड्स में, दिख रहे हैं आप लोगों को. तो देखिए इस तरीके से हमने लगा दिया है और अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे.
हमने इसमें मिट्टी में आपको जिसमें सॉइल बताई, तो अगर आपके पास ये सॉइल ना हो तो आपका अगर आपके पास आर्टिफिशियल सॉइल हो, यानी कि जो कोकोपीट वर्मिकुलाइट और लाइट का जो मिक्सचर आता है, आप वो भी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे इतना ही नीड है कि जस्ट हमें इसके लिए सॉफ्ट मीडियम यूज करना है, सॉइल का हार्ड मीडियम इसे नहीं पसंद, तो इतना ही आपको ख्याल रखना है। मैंने इसमें कोकोपीट ऐड नहीं किया था बिकॉज मेरे की जो मिट्टी है वो काफी अच्छे से ड्रेन सॉइल है, यानी कि लूमी सॉइल है। अगर आपके की हल्की सी चिकनी मिट्टी हो तो आप इसमें कोकोपीट ऐड करिएगा, मस्ट रहेगा कोकोपीट ऐड करना। तो चलिए अब इसमें वाटरिंग करते हैं। हमने इसमें वाटरिंग कर दी है अच्छे से, हमने इसमें डीप वाटरिंग करी, यानी कि हमने अच्छे से इसको पानी देना है। वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, हम जब भी कोई कटिंग लगाएं तो आपको ये चाहे कोई बताएं कि ना बताएं कि वाटरिंग करनी है या नहीं, बट आपको हमेशा कटिंग, आप कोई भी कटिंग लगाएं, न्यू प्लांट रिपोर्ट करें, आपको इसमें वाटरिंग करना मस्ट रहेगा। देखिए नीचे से पानी एक्सपेल आउट होना स्टार्ट हो गया है, यानी कि हमारी मिट्टी बहुत अच्छे से ड्रेन है, बिल्कुल मतलब विद इन 1 to 2 मिनट्स ये पूरे अच्छे तरीके से पानी को ड्रेन आउट कर देती है और मॉइस्चर बना के रखती है मिट्टी में। हम इसे तभी वाटरिंग करेंगे जब इसके ऊपर की 1 इंच की हमको सूखी भी लगे, चेक कर सकते हैं आप लोग इसे, और जस्ट इसे हम तभी वाटरिंग करेंगे। और हमको इसे रखना है अभी इनडायरेक्ट सनलाइट में, यानी कि जहाँ इसे डायरेक्ट धूप ना पड़े, क्योंकि ये विंटर प्लांट है, तो इसे आप डायरेक्ट अभी सनलाइट में मत रखिएगा। हमारे तो अभी काफ़ी ज़्यादा हार्ड सनलाइट होता है दिन में, और फिर शाम को बारिश आ जाता है, तो काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं क्लाइमेट में। और आपको इसे आप इसे जहाँ पे बारिश पड़े वहाँ इसे आप रख दीजिए, जहाँ इसे बारिश का पानी लगे, क्योंकि वो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अभी इस क्लाइमेट में ग्रो होने के लिए, और उससे आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। और अगर आप ज़्यादा प्लांट्स चाहते हैं तो आप ज़्यादा कटिंग्स लगाएं, क्योंकि हम कटिंग का कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितनी हमारी कटिंग सक्सेस रेट देगी हमें या नहीं। तो आपको जितने प्लांट्स चाहिए आप उससे हमेशा 2-3 कटिंग ज़्यादा ही लगाएं, क्योंकि कई दफ़ा तो क्या होगा कि आप 10 लगाएंगे तो उसमें से आपको 4 प्लांट्स मिलेंगे, कई दफ़ा 6 मिल जाएंगे, और कई आपको बार 10 के 10 मिल जाते हैं। और हर जगह भी सेम कटिंग वर्क नहीं करती है। अगर समझिए आप, मैंने यहाँ पे कटिंग लगाई है 4, तो हो सकता है कि मुझे इसमें से 1 ही मिले, या फिर इसमें से 2 मिल जाए, या फिर कभी कभी 4 मिल जाए, बट ऐसा नहीं है। आप में से कोई 10 लगाएगा तो उससे हो सकता है 10 की 10 भी कटिंग मिल जाए। तो ये बात डिपेंड है क्लाइमेट चेंजेस पर, वेदर्स पर, हम बिल्कुल भी कटिंग्स का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ट्राई करते रहिए, मानसून काफ़ी अच्छा एक सीजन है कटिंग्स लगाने के लिए, तो आप कटिंग्स जितनी हो सके उतनी लगाइएगा। आपको जो प्लांट आपके गार्डन में चाहिए आप उसे कोई गार्डन से, किसी के घर से या कोई फ्रेंड्स के घर से आप इसे कटिंग लेकर आ जाए और आपके गार्डन में आप लगा लें, तो बहुत ही अच्छा आपके न्यू प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स में। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी, हैप्पी गार्डनिंग।